हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉड प्लम्बर में। आज हम आपको जी पीपीआर पाइप का जॉइंट लगा के दिखाएंगे। पहले हम पीपीआर की फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीपीआर की फुल फॉर्म है जी पॉलीपोपाइलीन रैंडम कोपोलीमर। चार लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पंजाबी में, हिंदी में और उर्दू में और इंग्लिश में। फुल फॉर्म बताने का मकसद मेरा दोस्तों यही है कि सम टाइम आप आउट ऑफ कंट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताएं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले इंजीनियर लेवल के आदमी होते हैं, उनको फुल एजुकेशन होती है, तो इसके लिए आपको पूछ सकते हैं। इसके लिए आपके चीज़ माइंड में रहनी चाहिए। ओके, चलिए दोस्त अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सभी भाइयों को निवेदन है जो चैनल पर नए आए हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों पीपीआर कटर, पीपीआर के पाइप को ज्वाइंट करने के लिए अगर कट कर रहे हैं तो इसी के साथ कट करना चाहिए, अक्सा ब्लेड के साथ कट नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में आप को बोलते हैं कि ज्वाइंट लगा के दिखाओ तो वो आपके काम को नहीं देखते, आपकी टेक्निक को देखते हैं कि आप जो रूल हैं वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए जब भी पाइप को कट करना है तो पाइप कटर के साथ ही कट करना है, अक्सा ब्लेड या के साथ नहीं कट करना है पाइप को। अभी हम आपको पाइप कट करके दिखाते हैं कि कैसे काटना है पाइप को और कैसे कटता है। ये देखिए, इसको प्रेस करते जाना है हैंडल को, पाइप को सेंटर में रख के। देखिए आधा तक हमारा चला गया ब्लेड। ये लीजिए हमारा पाइप कट हो गया। देखिए एकदम कॉर्नर खड़े हैं। सही ज्वाइंट लगाने के लिए ऐसा ही हमारे को पाइप की शेप चाहिए। यह हमारे पास 20 mm का पाइप। यह हमारी हीटर डाई लगी हुई है गर्म होने के लिए। अभी इसकी ग्रीन लाइट चल रही है, इसका मतलब हमारे 230 इसका टेम्परेचर रखा हुआ है, 230। अभी गर्म नहीं हुई है, जब गर्म होएगी तो इसकी ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी और रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए साइड पे लाइट चली है ग्रीन। जब फुल 230 इसका टेम्परेचर हो गया तो लाल लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए कट ऑफ हो गई है हमारी ग्रीन लाइट। अभी हम जॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास 20 mm का पाइप है जी पीपीआर का। ये देखिए दोनों साइड, एक साइड में पाइप लगाना, दूसरी साइड में जो भी आपके पास एल्बो टी शॉकेट है उसको लगा के अच्छे से पुश करना है इसके अंदर। अभी हम निकालेंगे, निकाल के हम एक दूसरे इसके अंदर पुश करेंगे। ये देखिए हमने अंदर अच्छे से पुश कर दिया है। देखिए अभी हमारा जॉइंट लग गया। थोड़ा टाइम अगर टेढ़ा मेढ़ा है कहीं पे आप पाइप को सीधा कर सकते हैं इसी टाइम, बाद में ठंडा हो जाएगा फिर नहीं आप सीधा नहीं कर सकते उसको, फिर आपको कट्टी करना पड़ेगा। ये देखिए अभी हमारा जॉइंट लग के रेडी हो गया है। ओके दोस्तों, जाते जाते सभी भाइयों को फिर से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।